उनके लिए फिर आप लोगों को मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में, और साथ में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। जो एम फिल के स्टूडेंट हैं वो जो है थ्री जो है टू कॉपीज सबमिट करवाएंगे और पीआईडी के स्टूडेंट फाइव कॉपीज जमा करवाएंगे। आपने जो थीसिस है इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट करके अपने सुपरवाइजर के साइन, अपने सुपरवाइजर कमेटी चेयरमैन डीन के साइन करवा लेने। उसके बाद इसके पैरेलल ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें या उसके बाद प्रिपेयर कर लें। तो आपने जो थीसिस है उसके टू कॉपीज एमफिल वाले बच्चों के लिए और पीआईडी के लिए फाइव कॉपीज वो आप लोगों ने रेडी करनी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स फाइल में आपको बताऊंगा इसकी आपने टू कॉपीज प्रिपेयर करनी। तो इसमें सबसे पहले आपका रोल नंबर आ जाएगा, स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, सेशन, एडमिशन डेट। एडमिशन डेट जो आपका फी वाउचर, फर्स्ट फी वाउचर है उसके ऊपर आपकी एडमिशन डेट लिखी होगी। इस तरह जो एडमिशन टेस्ट डेट है अगर तो आपका गैट है गैट के ऊपर लिखा होगा, अदरवाइज जो आपकी एडमिशन टेस्ट डेट डिपार्टमेंट में हुआ है उसकी जो डेट होगी वो आपने लिख देनी है। रिमार्क्स रेगुलर वीकेंड, यानी आर ई जी मीन फॉर रेगुलर, डब्ल्यू ई मीन्स वीकेंड। आपने जहाँ पे रेगुलर के स्टूडेंट है तो रेगुलर लिख देंगे, वीकेंड है तो वीकेंड लिख देंगे। और इस फाइल के साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो इस तरह से अटैच करने हैं। सबसे फर्स्ट में आपने ऑब्जर्वेशन फॉर्म है, ऑब्जर्वेशन फॉर्म के बारे में मैं ये फॉर्म डिस्कस करने के बाद बताऊंगा। थीसिस चेक लिस्ट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये इसके बाद इस फॉर्म को डिस्कस करने के बाद। इसके बाद पैनल ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर विद ऑफिशियल ईमेल एड्रेस वेरीफाइड फ्रॉम सुपरवाइजर ड्यूली अप्रूव, ये डॉक्यूमेंट्स आपको आपका आपके जो सुपरवाइजर है वो देंगे कि जिसमें आपका आपका नेम, आपका थीसिस टाइटल, आपका एक्सटर्नल के नेम, आपकी सुपरवाइजर कमेटी के नेम होंगे और आपके जो सुपरवाइजर हैं इसको साइन करके इसको वेरीफाई करेंगे और इस पर चेयरमैन साहब के साइन भी होंगे। एमफिल के लिए 3 एक्सटर्नल्स होते हैं और पीएचडी के लिए 10 लोकल और 10 फॉरेन होते हैं। इसके बाद कॉपी ऑफ अप्रूव्ड ऑफ एएसआरबी, ये आपको आपके इधर ऑफिस जो क्लरिकल ऑफिस है वहाँ से मिलेगी। मेरिट डिपार्टमेंट है तो आप ये जवेद से इसकी फोटो कॉपी, इसकी कॉपी ले लेंगे आपके पेजेस की जिसमें आपका थीसिस का टॉपिक अप्रूव हुआ है, उस पेज और उसका फर्स्ट पेज जिस पेज पे आपका नाम है और जहाँ पे उसकी अप्रूवल हुई है, 3 पेजेस, उसका सबसे लास्ट वाला पेज ये वाला आप लोग लेंगे। इसके बाद इसी ऑर्डर में आगे ई पे आपने उसको डॉक्यूमेंट लगाना, सिमिलैरिटी रिपोर्ट, ये आपके सुपरवाइजर आपको सिमिलैरिटी चेक करके देंगे और उसका जो फर्स्ट पेज जिस पे आपका नाम लिखा होगा और सिमिलैरिटी लिखी होगी आपकी कितने परसेंट सिमिलैरिटी, आपकी सिमिलैरिटी लेस देन 19 यानी कि 18 या इससे बिलो होनी चाहिए। अगर तो आपका फोर्थ एमफिल फोर्थ सेमेस्टर में कंप्लीट हो गया तो कोई एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर आपने 5 सेमेस्टर लगाए हैं तो एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन और फीस पेड। अगर पीएचडी 6 सेमेस्टर में कंप्लीट हो गई है तो 6 सेमेस्टर की तो ये नोटिफिकेशन नहीं लगेगा। अगर आप 8 सेमेस्टर लगे हैं तो 7 और 8 सेमेस्टर की एक्सटेंशन की लग जाएगी, ये लग जाएगी। सेमेस्टर रिजल्ट कार्ड सारे लग जाएंगे पहले से लेके एंड तक, जितने भी सेमेस्टर आपने पढ़े हैं। फर्स्ट 2 सेमेस्टर आपका कोर्स वर्क होता है, सेमेस्टर 3 में आप लोग स्कैट पढ़ाते हैं और या फिर आप लोग पढ़ाते हैं सर सेमिनार, उसका रिजल्ट कार्ड भी साथ ही लगेगा। इसके बाद कंप्रीहेंसिव की चीज़ है, ये आपके साथ होती है, पीआईडी वालों के लिए है। नंबर आई पे आपका एनटीएस का रिजल्ट कार्ड या फिर डिपार्टमेंटल रिजल्ट कार्ड जो आपने डिपार्टमेंट में रिजल्ट दिया है उसकी फोटोकॉपी आपके डिपार्टमेंट से मिलेगी, वो आपके साथ लगा देनी है। मैं जो अपने डिपार्टमेंट की कॉपी है ये सीआर के साथ शेयर कर दूंगा, सीआर से आपने उसका अपने जिस पेज पे आपका नेम है वो उसका प्रिंट ले लेना है। इसके बाद नंबर जे पे है आपके जो सारी जो स्टूडेंट पोर्टल पे फी डिटेल आ रही हुई उस पेज की कॉपी लगा देनी है, उसको एचओडी से वेरीफाई करवा लेना है। नंबर इससे नेक्स्ट के पे आपने लगाना है, जो आपने सारी फीसिस पे की हैं सबके फी वाउचर्स वो लग जाएंगे और जो 10,000 फी है थीसिस सबमिशन की जो ओल्ड सेमेस्टर पीएचडी के उनके लिए आई थिंक 5,000 है, जो न्यू सेमेस्टर है उसके लिए 10,000 है। आप लोग अपने अपने सेशन के प्रॉस्पेक्टस से चेक कर लीजिएगा, आपके जो सेशन है जैसे 2022 है तो उसके प्रॉस्पेक्टस में लिखी होगी, अगर सेशन आपका 1921 है तो 19 वाले प्रॉस्पेक्टस पर लिखा होगा आपकी एमफिल की जो है थीसिस फीस कितनी है। इसी तरह जो आपका है
पीएचडी है उसके जिस सेशन में आपका एडमिशन हुआ उस पर आपका लिखा होगा। नंबर एल पे आप लोगों ने लगाने हैं आपके थीसिस का टाइटल पेज, सुपरवाइजरी कमेटी वाला पेज और आपके टेबल ऑफ कंटेंट जो बनेगी वो लगानी है। अगर आप इन जॉब कर रहे हैं कहीं तो डिपार्टमेंटल एनओसी लगेगा। इसके बाद अप्रूव्ड मिनट लगेंगे बीओएस के, ये जो नंबर टू पे थे, और ये वाले एमफिल के लिए होते हैं और जो ऊपर हमने डिस्कस किए थे वो पीएचडी के लिए होते हैं। इसके बाद अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो आपको एक ओरिक से पेज चाहिए होगा, डायरेक्टर ओरिक से, जो डिपार्टमेंट के थ्रू जाएगा। डायरेक्टर ओरिक उसको साइन करेंगे कि इसमें ये मेंशन होगा कि ये जो पेपर है ये एच ई सी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में इसने पब्लिश किया, वो चीज़ इसमें अटैच करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इसी ऑर्डर के साथ, ये वाला जो डॉक्यूमेंट मैं शो कर रहा हूँ इसी ऑर्डर में ए बी सी डी इस तरह से शेयर कर देने। अब यहाँ पे जो हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहा है वो सबसे पहले फर्स्ट ए डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन फॉर्म है, वो मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन फॉर्म ये हमने ओपन कर लिया, ये ऑब्जर्वेशन फॉर्म है। इसके अंदर आप इसको फिल कर देंगे अपना नेम, रोल नंबर, टाइटल। और एक चीज़ याद रखनी है, सिनोप्सिस टाइटल जो आपका अप्रूव हुआ था जो जीएस की मीटिंग के अंदर है, इसे टाइटल भी वही होगा, उसके अंदर आप एक वर्ड का भी चेंज नहीं कर सकते, ना कोमा डॉट भी इधर उधर नहीं कर सकते। अगर सिनोप्सिस टाइटल के अंदर कोमा लिखा गया तो यहाँ भी कोमा ही होगा, अदरवाइज न्यू बीएस के अंदर जाके इसको अप्रूव करना पड़ेगा, आपका एक नया सेमेस्टर लगेगा। इसलिए थीसिस टाइटल आपने सेम रखना जो सिनॉप्सिस के ऊपर है, उसमें कोई भी चीज़ आपने नहीं करनी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है, यस नो आपने करना है। आपका जो थीसिस है सुपरवाइजर के और चेयरमैन के थ्रू गया, यस आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है टाइटल, यस। सबमिटेड जीसीयू फॉर्मेट के मुताबिक है, यस। थीसिस रिटन अंडर द मिनिमम लिमिट ऑफ 75, आप इस पे 70 कर लेंगे, यस 70 करके यस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेज जो आपने इसमें लिखे हैं वो आप लिख देंगे, इंट्रोडक्शन में जितने रेफरेंसेज हैं, अदर चैप्टर में जितने रेफरेंसेज हैं वो आप सारे यहाँ पे लिख देंगे। रेफरेंसेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर तो आपने लिखे हैं तो यस कर दें, अगर नहीं लिखे तो नो कर दें, क्योंकि ये नए डिपार्टमेंट के लिए हम लोगों ने अप्रूवल किया था, हम इसको ए पी एस स्टाइल में, नंबर स्टाइल में लिख सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यस नो कर दें। टेबल ऑफ कंटेंट डिटेल्ड एक्नॉलेजमेंट आपने लिखी है, यस कर दें। टेबल जो हेडिंग है उसके लिख दें, यस आ जाएगा। यहाँ पे रेफरेंस का स्टाइल है फॉर्मेट में दिए हैं, यस आ जाएगा। इनरोलमेंट फी आपने सारी वोचर साथ लगाए हैं, कंप्लीट है, ये लिख देंगे। वेरीफाइड फी वोचर अटैच, यस आ जाएगा। सिमिलैरिटी रिपोर्ट आपने अटैच की, यस है। सिमिलैरिटी आपकी लेस देन 19 है, ये तभी जमा होगा तब आपकी जब आपकी 18 या लेस होगी। सॉफ्ट कॉपी आपकी सीडी आपने थीसिस के की जो फाइनल पीडीएफ है उसको सीडी के साथ में पे राइट करके इस फाइल के साथ आपने अटैच कर देना। ये आपका जो है ऑब्जर्वेशन फॉर्म है, इसके ऊपर सुपरवाइजर के साइन भी होंगे और इसके ऊपर स्टूडेंट के साइन भी होंगे। इसके बाद नंबर टू पे था थीसिस चेकलिस्ट, इसको भी आपने सारा फिल कर लेना, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर दी हुई है। इसके अगेन यहाँ पे सुपरवाइजर नेम है, थीसिस टाइटल है, आपने एज इट इज लिखना जो आपका सिनॉप्सिस का टाइटल है। इसके अंदर भी उससे मिली हुई इन्फॉर्मेशन आपने सारी यहाँ पे लिख देनी है, थीसिस फी डिपॉजिट, यस, थीसिस फॉर्मेट अप्रूव्ड है, सुपरवाइजरी रिपोर्ट यहाँ पे अटैच है, सारी चीज़ें आपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख देनी है। ये जो आपका एम फिल का चीज़ है आपके सिनॉप्सिस के एक साल के बाद जमा होना चाहिए, जो एम फिल का चीज़ था वो 6 मंथ के बाद अप्रूवल के होना चाहिए, सभी का ऐसा ही होता है यूजली। जो जो चीज़ें साथ रिक्वायरमेंट अगर यस अटैच की हैं तो यस लिख दें, अगर नहीं है तो नो लिख दें। इसके बाद इस पेज पे सुपरवाइजर के साइन होंगे, चेयरमैन के साइन होंगे। अब एम फिल के बच्चों ने 2 फाइल्स, 2 थीसिस की कॉपीज, ये सारा अब डिपार्टमेंट में जमा करवा देंगे। डिपार्टमेंट फिर एक नंबर लगा के वो जो डायरेक्टर एडवांस स्टडीज उसको सबमिट करवा देंगे, फिर वो आगे एक्सटर्नल के पास, वहाँ से जो डॉक्यूमेंटेशन के बाद एक्सटर्नल के पास चला जाएगा। एक्सटर्नल के जाने के बाद उसके कुछ 2 या 3 वीक के बाद एक्सटर्नल में को मिलने के बाद, जब वो मिलेगा तो 2-3 वीक के बाद आपका फाइवर कंडक्ट होगा। ये सारी गाइड थी जिसमें आप लोगों का सारा प्रोसीजर बताया गया था कि आप लोगों ने जो थीसिस सबमिट करना है वो किस तरह से करना है, और जो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होंगी, जो फाइल प्रिपेयर करनी है वो कैसे करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।